Hello students, how are you all? I hope you all are having great time. So today we are going to read a chapter named The Dancing Partner 1. So let's start the chapter. Imagine that you want to dance but the person you are dancing with keeps stepping on your shoes or his or her hands keep hitting you by mistake. What will you do? What qualities make a perfect dancing partner for you? मेक अ लिस्ट. बच्चों इसमें आपसे इमेजिन करने को बोल रहे हो कि आप इमेजिन करो कि आप कहीं डांस करने गए हो, ठीक है, और आपका जो डांसिंग पार्टनर है वो आपको क्या करता है, कैसे ना कैसे आपको हिट करता है, उसका हाथ कहीं आपके गलती से लग जाता है या वो आपके पैर पर चढ़ जाता है, तो आप ऐसे टाइम पर क्या करोगे. और वो कह रहा है कि आप एक लिस्ट बनाओ कि भाई आपके जो डांसिंग पार्टनर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो ऐसे डांसिंग पार्टनर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. दिस स्टोरी कम्स फ्रॉम फोर्ट वैगन, a small town in the Black Forest. There lived a very wonderful old fellow named Nicholas Gibel, who made mechanical toys and was famous for them across Europe. He made rabbits that would emerge from the heart of a cabbage, flop their ears, smooth their whiskers and disappear again. Cats that would wash their faces and mew so naturally that dogs would mistake them for real cats and fly at them. These are just example of what he could make. बच्चों कहानी है, एक फोर्ट वैगन एक जगह है, वहाँ पे एक आदमी रहता था, ठीक है, उसका नाम था निकोलस गिबेल. अब वो क्या करता था, वो बहुत तरह के टॉयज बनाता था, मैकेनिकल टॉयज बनाता था, और वो इतने सुंदर टॉयज बनाता था कि वो क्या लगते थे, रियल लगते थे. जो कैबेज है, कैबेज के अंदर जो का जो डंठल आपने देखा है ना, उससे वो क्या बनाता था, वो रैबिट बनाता था, और रैबिट इतना रियल लगता था कि उसके ईयर्स फ्लैप करते थे और वो क्या करता था, इधर उधर फुदकता था. तो इस तरह के टॉयज बनाता था. एक वो उसने कैट बनाई थी, कैट वो भी रियल थी, वो इतना रियल तरीके से वो म्याऊ बोलती थी कि डॉग्स को लगता था किसी रियल कैट ने बोला है और वो उसे पकड़ने के लिए चले जाते थे. But he was something more than a mere mechanic. He was an artist and was passionate about his work. Many things that littered his workroom had no real purpose, but he created them for his sheer love of his work. Such things included a mechanical donkey that would trot for 2 hours by means of stored electricity and faster than a living being, and the driver would not be too tired. Can you imagine a life-size lady doll that could play a fiddle? Well, Nicholas Gibel made them all. अब ये बताया जाता है कि जो वो आर्टिस्ट था वो अपने काम को लेकर इतना फर्म था, मतलब इतना पैशनेट था कि उसने काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई. वो आगे क्या करता था, उसको और क्या करता था, मॉडिफाई करता रहता था. उसने एक डोंकी बनाया जो किससे चलता था, इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, और वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट भागता था और बहुत ही ज़्यादा क्या करता था, फास्ट काम करता था, ठीक है. अब वो आगे बताता है, उसका जो वर्क प्लेस था वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गिरी रहती थी. भाई अब जो आर्टिस्ट होता है, अब जैसे आप किसी कारपेंटर को देखते हो तो उसके वर्क प्लेस में आप देखते हो बहुत सारा वुड गिरा रहता है, बहुत सारा जो लकड़ी का बुरा होता है वो गिरा रहता है. तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि भाई वो जो निकोलस था, उसका काम का जो जगह थी, जो रूम था ना, उसमें बहुत सारा क्या था, कूड़ा बिखरा रहता था, बहुत सारा सामान बिखरा रहता था. तो इस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करता रहता था. और एक उसने एक लाइफ साइज, मतलब एक लंबी सी जो आदमी के इंसान के जो हाइट बराबर उसने डॉल बनाई, वो क्या बजाती थी, वॉयलिन बजाती थी. तो इस तरह से वो अपने टॉयज बनाता था. The people in his town believed that old Gibel could make a man capable of doing everything that a respectable man could do. So was he able to make such a thing? अब जो उसके टाउन के लोग थे वो ये मानते थे भाई उसने इतनी लंबी डॉल बनाई है तो ये एक आदमी भी बना सकता है, ह्यूमन साइज का एक आदमी या रोबोट बना सकता है जो कि सारे काम कर सकता है, जो कि एक इंसान कर सकता है. Young Dr. Fallon had a small boy and was celebrating his second birthday by throwing a ball where everyone could dance and celebrate. Old Gibel and his daughter Olga were among the guests. ठीक है, अब आगे इसमें बताते हैं कि एक डॉक्टर है टाउन में, उसके बेटे का क्या है, सेकेंड बर्थडे है, तो उसने एक पार्टी अरेंज की, एक डांस पार्टी. बॉल का मतलब यहाँ पे वो गेंद नहीं है बच्चों, बॉल का मतलब है एक डांस पार्टी उसने थ्रो की, एक डांस पार्टी उसने ऑर्गेनाइज की जिसमें उसने सबको बुलाया डांस करने के लिए. और उसमें कौन इन्वाइटेड था, उसमें गिबेल और उनकी बेटी ओल्गा भी इन्वाइटेड थे.
During the afternoon of the next day, some three or four of Olga's best friends, who had also been present at the ball, dropped in to have a chat about it. They started discussing men and criticized their dancing. Old Gibil was in the room and heard their chats. ठीक है, अब उसी afternoon में क्या हुआ कि कुछ लड़कियां थी, वो जो ओल्गा थी, उसकी बेटी थी, उसकी फ्रेंड्स थी, वो आपस में क्या कर रहे थे, चैट कर रहे थे, बातें कर रहे थे. ठीक है, अब उनकी बातें कौन सुन रहा था? वो ओल्ड गिबेल उनकी बातें सुन रहा था. वो क्या बातें कर रही थी? वो कह रही थी भाई जो डांस पार्टी में जो लड़के आए थे ना, उनको बिल्कुल भी डांस करना नहीं आ रहा था. वो क्या कर रहे थे? बहुत जल्दी थक जा रहे थे. देयर सीम्स टू बी फ्यूअर मैन हु कैन डांस एट एवरी बॉल यू गो टू, सेड वन ऑफ द गर्ल्स. अनदर वन सेड दे ऑलवेज says exactly the same things. How charming you are looking tonight. Don't you often go to Vienna? Oh, you should. It's delightful. What a charming dress you have on. What a warm day it has been. Do you like Wagner? I do wish they would think of something new. ठीक है, वो अपने बातें कंटिन्यू करते हैं. बोलते हैं कि भाई वो जो लड़के डांस पार्टी में आए थे वो कैसी बातें कर रहे थे? वो सेम तरह की बात कर रहे थे. भाई आज दिन कितना गर्म है, आज मौसम कितना ऐसा है, तुमने कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है. सारे के सारे लड़के जो थे वो एक ही तरह की बात कर रहे थे. तो वो कहते कितना ये चीज़ बोरिंग थी. ओ आई नेवर माइंड हाउ दे टॉक, सेड अ फोर्थ. इफ अ मैन डांसेस वेल ही मे बी अ फूल फॉर ऑल आई केयर. अब उनमें से एक कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या बातें करते हैं, मेरे तो फ़र्क ये पड़ता है कि भाई वो किस तरह से डांस करता है. आई गो टू अ बॉल टू डांस, कॉन्टिन्यूड द प्रीवियस स्पीकर. नॉट नोटिसिंग द इंटरप्शन, ऑल आई आस्क इज दैट ही शैल होल्ड मी फॉर्मली, टेक मी राउंड स्टेडिली एंड नॉट गेट टायर्ड बिफोर आई डू. ठीक है, अब एक लड़की कहती है कि मैं वहाँ जाती हूँ बॉल में, मतलब पार्टी में, किस लिए जाती हूँ? मैं डांस करने के लिए जाती हूँ. तो मैं चाहती हूँ भाई मेरा पार्टनर जो है वो मुझे फर्मली पकड़े, मतलब अच्छे से पकड़े. जब वो मेरे साथ क्या कर रहा हो, डांस कर रहा हो, तो वो कैसे पकड़े? मुझे फर्मली पकड़े और मुझे अच्छे से घुमाए और वापस से वहाँ पे ज़मीन पे रख दे और वो थके भी ना. कब? डांस करते समय. अ मैकेनिकल फिगर वुड बी मोर सुटेबल फॉर यू, सेड द गर्ल हुड इंटरप्टेड. ठीक है, अब एक लड़की ने कहा कि भाई एक मैकेनिकल जो फिगर होती है, मतलब एक मशीन वाला आदमी होता है, वो तुम्हें ज़्यादा सूट करेगा. उसमें से एक लड़की ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा. ब्रेवो, क्राइड वन ऑफ द अदर्स क्लैपिंग हर हैंड, व्हाट अ कैपिटल आइडिया. अब ये आइडिया सुन के दूसरी लड़की बहुत खुश होती है, वो जोर जोर से क्या बजाती है, ताली बजाती है कि तुमने कितना अच्छा आइडिया दिया. व्हाट्स अ कैपिटल आइडिया दे आस्ट, व्हाई अ क्लॉकवर्क डांसर और बेटर स्टिल वन दैट वुड गो बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड नेवर रन डाउन. द गर्ल्स टुक अप द आइडिया विद एंथुजियाज्म. वो कहते हैं हाँ, ऐसा एक आदमी होना चाहिए, एक रोबोट होना चाहिए, वो मशीन से चले, इलेक्ट्रिसिटी से चले और कभी भी थके ना. ओ व्हाट अ लवली पार्टनर ही वुड मेक, सेड वन. ही वुड नेवर किक यू और ट्रेड ऑन योर टोज. वो कहते हैं हाँ, वो कितना अच्छा डांसिंग पार्टनर बनेगा, वो कभी भी तुम्हारे पैरों पर नहीं चढ़ेगा, तुम्हें हर्ट नहीं करेगा. और टीयर योर ड्रेस, सेड अनदर. और वो कहते हैं वो तुम्हारी ड्रेस को भी नहीं फाड़ेगा डांस करते समय. वाई विद अ फोनोग्राफ इनसाइड हिम टू मॉनिटर व्हाट ही सेज, यू वुड नॉट बी एबल टू टेल फ्रॉम हिम अ रियल मैन, सेड द गर्ल हु हैड फर्स्ट सजेस्टेड द आइडिया. ओल्ड गिबेल हर्ड इट ऑल एंड एन आइडिया ब्लॉसम्ड इनटू हिज हेड. He asked Olga about the latest trends in dancing and dancing etiquettes. After that, he locked himself in his workroom for a couple of weeks. But sometimes one could hear his laughter break out as if he was enjoying a personal joke. ठीक है, अब उस आदमी ने, उस ओल्ड आदमी ने क्या करी, उन लड़कियों की बातें सुनी. ठीक है, अब उसके दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया कि मैं भी एक ऐसा ही आदमी बनाऊंगा, एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो कि डांस के लिए परफेक्ट होगा. फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया, ओल्का को बुलाया, और उससे पूछा कि भाई डांस पार्टनर में तुम्हें क्या क्या खूबियाँ, क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए. अब उसने सारी क्या की, नोट डाउन की और अपने आप को कुछ हफ्तों के लिए एक रूम में बंद कर लिया. अ मंथ लेटर अनदर बॉल टुक प्लेस इन फोर्टवेगन. Old Wenzel, the wealthy timber merchant, threw a ball to celebrate his niece's engagement, and Gibel and his daughter were again invited.
When Olga went to find her father to go to the ball, he said, "Don't wait for me." He said, "You go on, I will follow you. I have got something to finish." ठीक है, अब काफ़ी महीनों बाद क्या हुआ, एक और बॉल पार्टी हुई, एक और डांस पार्टी हुई, ठीक है, जो किसने ऑर्गेनाइज़ की थी, वहाँ पे एक मर्चेंट है, उसने ऑर्गेनाइज़ की थी। अब वहाँ पे फिर से उन दोनों को बुलाया गया, मतलब गिबेल को भी और उनकी बेटी को भी बुलाया गया। अब गिबेल अपने पापा को बुलाने जाते हैं, पापा पापा चलो कहाँ चलो, पार्टी में चलो, हमें पार्टी में इन्वाइट किया गया है। तो उसके पापा कहते हैं, नहीं नहीं तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, मतलब तुम पहले चली जाओ, मैं तुम्हें फॉलो करता हुआ बाद में वहाँ पहुँच जाऊँगा। एज द टर्न टू ओबे ही कॉल्ड आफ्टर हर, टेल देम आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ नाइस यंग मैन विद मी एंड एन एक्सेलेंट डांसर, ऑल द गर्ल्स विल लाइक हिम। अब वो उससे कहता है, जाओ मेरे पास कुछ काम है, मैं उसको फिनिश करके आता हूँ, और वहाँ जाके तुम सबसे कहना कि मेरे पापा एक अपने साथ क्या ला रहे हैं, एक डांसिंग पार्टनर ला रहे हैं, एक आदमी को ला रहे हैं जो कि क्या है, एक अच्छा डांसिंग पार्टनर है। When everyone heard what Gibel had said, they were excited. Soon he burst through the door with surprised laughter and announced, "Allow me, ladies and gentlemen," said Herr Gibel, "to introduce you to my friend Lieutenant Fritz Fritz, my dear fellow, bow to the ladies and gentlemen." ठीक है, अब सारी लड़कियां जो होती हैं वो excited होती हैं कि भाई जो ओल्गा है उसके father ऐसा क्या लेके आ रहे हैं अपने साथ। तो इतने में डोर पे क्या आती है, आवाज़ आती है, मतलब सब लड़कियों को पता चल जाता है कि हाँ ओल्गा के फादर जो मिस्टर गिबेल है वो वहाँ पे पहुँच गए हैं एक रोबोट के साथ। ठीक है, अब वहाँ पहुँचते ही जो गिबेल होते हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, एक डांसिंग पार्टनर लाया हूँ, ये तुम्हारे साथ क्या करेगा, डांस करेगा और तुम्हारे सारे कमांड को मानेगा, तुम्हारी बात सुनेगा। ठीक है, और वो बताता है कि इसका नाम क्या है, फ्रिट्स है। He walks a little stiffy. Old Gibel took his arm and walked him forward a few steps. He certainly did walk stiffly, but then walking is not his forte. He is essentially a dancing man. Come, which of you ladies may I introduce him to as a partner? Come, speak up for yourself, my boy. अब वो उसको आगे लेके जाते हैं तो बहुत स्टिफली चल रहा होता है, मतलब एक बॉय जैसे एक आदमी चलता है वैसे ही चलता है, बहुत स्टिफली, मतलब बहुत ज़्यादा वो स्टिफ होके अकड़ के चल रहा होता है। अब जैसे रोबोट होते हैं वो तो कैसे चलते हैं आपने देखा है ना, तो वैसे ही वो चल रहा था। अब गिबेल उसको कम्फर्टेबल करता है और लेडीज़ को अपने पास बुलाता है कि भाई आओ और इसके साथ क्या करो, डांस करो। द ओल्ड जेंटलमैन ट्विस्टेड वन ऑफ द बटन्स एट द बैक ऑफ हिज कोट एंड इमीडिएटली फ्रिट्ज Open his mouth and in thin tone that appeared to proceed from the back of his head remarked suddenly, "May I have the pleasure?" and then shut his mouth again with a snap. ठीक है, अब वो जो ओल्ड जेंटलमैन होता है, मतलब जो गिबेल था, उसने क्या किया, उस रोबोट के पीछे एक बटन था उसको ऑन किया। ठीक है, अब वो जैसे ही उसने ऑन किया वो रोबोट जो था वो बोलने लगा और उसने थोड़ा सा आगे स्टेप करके किसी लड़की से पूछा कि क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ, और फिर उसने अपने माउथ को क्या कर लिया, शट कर लिया। बट नन ऑफ द गर्ल्स वुड डांस विद फ्रिट्स बिकॉज ऑफ हिज ऑड बिहेवियर। एट लास्ट ओल्ड गिबेल केम टू द गर्ल हु हैड कम अप विद द आइडिया। इट इज़ योर ओन सजेशन, सेड गिबेल, एन इलेक्ट्रिक डांसर, यू ओ इट टू द जेंटलमैन टू गिव हिम अ ट्रायल। The girl was a little adventurous and decided to take a chance at dancing with Fritz. What happens next? Read the next chapter to find out. तो बच्चों, जो लड़कियाँ थी वो क्या थी, घबरा रही थी कि भाई हम कैसे एक रोबोट के साथ डांस करेंगे, कैसे हमें ट्रीट करेगा डांसिंग में। तो कोई भी लड़की आगे नहीं आई, तो गिबेल जो था भाई वो तो अपने रोबोट को ट्राई करवाना चाहता था, तो उन्होंने उसी लड़की के पास गए जो सबसे पहले सजेशन लेके आई थी कि भाई हमें कैसा डांस पार्टनर चाहिए, एक मशीन जैसा डांस पार्टनर चाहिए जो कभी भी थके ना। तो वो उस लड़की के पास जाते हैं, उससे कहते हैं भाई तुम इसको ट्राई करो और तुम इसके साथ क्या करो, डांस करो। अब वो लड़की थोड़ी डरी हुई थी, हालांकि वो एडवेंचरस भी थी, तो वो उस लड़के के साथ, उस रोबोट के साथ डांस करने को रेडी हो गई। तो बच्चों, इसके आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आप इस पार्ट का रिविजन खुद से करो और ये एक्सरसाइज आपको दी गई है, इसका रिविजन भी आप खुद से करो।